हाय गाइस, वेलकम बैक टू इल्म एकेडमी। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है अकाउंटिंग, ओ लेवल्स का अकाउंटिंग। ठीक है, तो ओ लेवल्स की अकाउंटिंग में ये जैसे मैंने सिलेबस से कट करके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने, मैंने एक सिलेबस का छोटा सा पीस कट करके वो किया ताकि ना आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, एक तो हम ये पता लगाएंगे अकाउंटिंग होता क्या है, बेसिक्स अकाउंटिंग की, ठीक है, और दूसरा अकाउंटिंग में जो टर्म्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, उसके बाद स्टेट द पर्पजेज ऑफ मयरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और ये सारा कुछ हम जो है वो आज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि ही सबसे पहली चीज़ जो अकाउंटिंग के अंदर आपने आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, ओ लेवल्स की, वो होती है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है, सामने लिखा हुआ है बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब बुक कीपिंग क्या होती है कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, और आप ओनर हो, ठीक है, शॉप के, तो क्या होता है कि वो कस्टमर आपको से कोई भी चीज़ परचेज करता है, वो आपको पैसे देता है, आप वो अपनी किसी भी, मतलब चाहे डायरी में रिकॉर्ड करो, चाहे मशीन में रिकॉर्ड करो, या वो बार कोड रीडर्स होते हैं वो उनसे रिकॉर्ड करो, तो ये जो प्रोसेस होता है ना रिकॉर्डिंग का, जिसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, जो आप रिकॉर्ड रख रहे होते हैं इसको बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर इवन द स्मॉलेस्ट बिजनेस टू मेक अ रिकॉर्ड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स द बिजनेस। ठीक है, और आपको जो है छोटी से छोटी जो ट्रांजेक्शन होती है ना उसका भी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन इट इज़ लाइकली दैट समथिंग विल बी फॉरगॉटन और ओवरलुक। अच्छा, अब रिकॉर्ड जब आप नहीं रखते तो हमारे साथ क्या होता है, रिकॉर्ड जब आप नहीं रखते तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिस चीज़ के लिए आप बिज़नेस करते हैं, और वो चीज़ होती है प्रॉफिट। ठीक है, जिसके लिए आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब जब आप रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखोगे तो आपको अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता लगता जाएगा। ठीक है, मगर जब आप रिकॉर्ड्स अपने प्रॉपर नहीं करोगे, आप अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करोगे, या आप अपनी सेल्स को प्रॉपरली, हो सकता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो आपको कम शो हो रहा हो, और हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो, ठीक है, और आपको ज़्यादा शो हो रहा हो। ठीक है, तो लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग दीज रिकॉर्ड्स इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, द एक्चुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय वन बिजनेस मे वेरी फ्रॉम दोज मेंटेन बाय अनदर बिजनेस बिकॉज ईच डिफरेंट बिजनेस इज डिफरेंट। अच्छा, और डबल एंट्री क्या चीज़ होती है, ठीक है, डबल एंट्री वो चीज़ होती है, अब आप तो रिकॉर्ड कीप कर रहे हो, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि जैसे आप एक सप्लायर हैं, ठीक है, अब आपने 20 कैंस को सॉफ्ट ड्रिंक के सप्लाई कर दिए एक शॉप में। ठीक है, अब आप सप्लायर हैं, इधर मैं सप्लायर लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ शॉपकीपर, ठीक है, जो जिसको आप सेल करेंगे। ठीक है, अब आपने उसको 20 कैंस सेल किए सॉफ्ट ड्रिंक के, ठीक है, और अब क्या होगा कि आपने तो रिकॉर्ड रख लिया, ठीक है, आपने इधर रिकॉर्ड अपना रख लिया, ठीक है, कि हमने जो है वो शॉपकीपर को 20 कैन सेल किए। ठीक है, अब जब शॉपकीपर भी रिकॉर्ड रखेगा कि मैंने 20 कैन्स परचेज किए हैं आपसे, क्योंकि शॉपकीपर तो परचेज कर रहा है ना, जब वो भी रिकॉर्ड रखेगा कि 20, अब देखें आप सप्लायर थे, आपने सेल का रिकॉर्ड रखा क्योंकि आपके 20 कैन सेल हुए, और शॉपकीपर परचेजर था तो उसने परचेज का रिकॉर्ड रखा, उसने 20 कैन्स परचेज किए, तो ये जो दो जगह रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है इसको कहते हैं डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो बुक कीपिंग से तो आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हो गए होंगे, तो अब आगे चलते हैं।
ठीक है, अब आगे है जी, अकाउंटिंग यूजेस द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली अब अकाउंटिंग क्या करती है कि जो आपने बुक कीपिंग, जो आपने रिकॉर्ड्स पूरे 1 मंथ के, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, जितने भी टाइम के आपके रिकॉर्ड्स हैं, उनको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। एक पेपर के ऊपर एक पूरी स्टेटमेंट बनाती है कि इस ईयर के अंदर हमारे बिजनेस ने इतना काम किया और इतने एक्सपेंसेस हुए, और एक्सपेंसेस के बाद इतना हमें प्रॉफिट बचा या इतना हमें लॉस हुआ। ठीक है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, द ओनर ऑफ द बिजनेस नीड्स टू नो वेदर द बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है कि आपको नहीं पता होता कि आफ्टर अ ईयर, ठीक है, किसी को नहीं ये पता होता कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जब आप बनाते हो रिकॉर्ड्स को देख के, तो आपको पता लग जाता है कि कैसे जो है हमारे हमारे पास प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। ठीक है, ये देखो, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस या प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये ईयरली साल के साल बनाई जाए। ठीक है, दिस शोज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द बिजनेस। देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि या तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस, उसकी कैलकुलेशन ये शो करवाता है, ये स्टेटमेंट शो करवाती हैं। तो इफ द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट, ठीक है, देन द ओनर इज रिसीविंग अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिंग और इम्प्रूविंग द बिजनेस। ठीक है, अगर जैसे किसी ओनर को प्रॉफिट हुआ है तो वो ये करेगा, उसके लिए फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो अपने बिजनेस को चाहे तो एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, हाउएवर इफ द बिजनेस हैज मेड अ लॉस देन इट मे इवेंचुअली क्लोज डाउन एज द ओनर इज नॉट रिसीविंग एनी रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग और मेंटेनिंग द बिजनेस। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ओनर को बार 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 लॉस हुई जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बार बार उसकी लॉस दी जा रही है, तो एट लास्ट यही होगा कि ओनर को अपनी फर्म क्लोज करनी पड़ेगी और उसके पास फंड्स नहीं बचेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या होता है। अब स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चीजें आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और ये हम देखते हैं। व्हेन अ पर्सन डिसाइड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ही विल हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स रिसोर्सेज। ये तो आपको भी पता है कि जब भी कोई भी किसी ने भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी होती है, तो सबसे पहले फंड्स की ज़रूरत होती है हमें, ताकि हम जो है वो अपने बिजनेस के अंदर एसेट्स डाल सकें, मतलब हम अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हमारा बिजनेस एक रनिंग पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी फंड्स। ठीक है, ये पैसों की फॉर्म में भी ये फंड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये मोटर्स, मशीन्स, गुड्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर किसी भी फॉर्म, अब एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसके जो नेसेसरी फंड्स होंगे, वो होंगे सारे ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स, ठीक है, लाइक गुड्स। ठीक है, और अगर किसी की कोई शोरूम है तो उसका कार्स, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मॉनिटरी फंड्स में ही हो, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नोन एज कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो कैपिटल इधर वर्ड आ गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये पूरे अकाउंटिंग में यूज़ होगा। ठीक है, कैपिटल वर्ड का मतलब यह है कि जो भी चीज़ आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, अपने बिजनेस को, चाहे वो रनिंग बिजनेस में की है या फिर आपने मतलब नया बिजनेस स्टार्ट, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया है ना आपने, उसको आप क्या कहोगे, कैपिटल। ठीक है, उसके बाद दिस रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ओर्ड बाय द बिजनेस टू द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वो चीज़ें होती हैं जो अब कैपिटल, वो चीज़ होती है जो अब एक
ओनर के अकाउंट से हट के एक बिजनेस अकाउंट में चली जाती है, ठीक है। अब वो चीज ओनर की नहीं रहती क्योंकि ओनर उस चीज को इन्वेस्ट कर चुका है और ओनर अब वो चीज वापस नहीं ले सकता अनलेस अनटिल उसे या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसको ले सकता है, ठीक है। तो वंस द बिजनेस इज फॉर्म्ड एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, एक दफा अगर बिजनेस बन गया और कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, द बिजनेस विल ऑन द मनी और अदर आइटम्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि बिजनेस ये चीजें फिर बिजनेस की हो जाएंगी, मतलब कि बिजनेस अकाउंट में चली जाएंगी, ओनर की नहीं जाएंगी, ठीक है। थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस और ओन्ड टू द बिजनेस आर रिगार्डलेस एज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस और द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, एसेट्स, ठीक है। ये भी आपकी अकाउंटिंग में बार बार यूज होगा। एसेट्स बेसिकली अकाउंटिंग टर्म में एसेट्स कहते हैं वो चीज़ें जो आपके बिजनेस की जो आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जैसे आपने अपने जैसे कोई बिल्डिंग ले ली अपने बिजनेस के लिए, तो बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आप उसको 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके एसेट्स होंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई मशीनरी ले ली तो वो भी आपके एसेट्स होंगे। इन एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो आपका एसेट होगा, ठीक है। इवन कि बिजनेस भी आपका एसेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं करंट, ठीक है, और एक होते हैं नॉन करंट, ठीक है। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है, फर्ज करें कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई डेबिट कार्ड मशीन ले ली, जिसलिए आप अगर किसी के पास कैश नहीं है तो वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको पे कर सकता है, और वो आपकी मशीन, अगर उस मशीन की पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 1 साल से कम में खराब हो जाए, ठीक है, तो वो आपका करंट एसेट है। मैं नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, कार, ठीक है, बिल्डिंग्स, ठीक है, जो चीज 1 साल से ज्यादा चले, ठीक है। और थर्ड जो आपकी चीज आती है, इन एडिशन टू द ओनर अदर पीपल्स मे ऑल्सो प्रोवाइड एसेट्स टू द बिजनेस, दिस अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द पीपल इज नोन एज लाइबिलिटीज, ठीक है। अब ये आपका लास्ट वर्ड है, ठीक है, लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है। जैसे ओइंग, ठीक है, इसका बेसिक मतलब ओइंग या उधार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप अगर एक मतलब प्रोड्यूसर कह लें या एक रिटेलर कह लें, उससे आप ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं उससे 20 शर्ट्स उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे 20 शर्ट्स ले रहा हूँ, और जब ये शर्ट सेल हो जाएंगी तो मैं इन शर्ट्स की कॉस्ट जो है वो आपको दे दूंगा, जितनी कॉस्ट पे आपने मुझे सेल की है, ठीक है। तो अब जब तक वो शर्ट सेल नहीं हुई, जब तक उन उन शर्ट्स के पैसे आपने वापस रिटेलर या प्रोड्यूसर को नहीं दिए, ठीक है, तब तक वो जो प्रोड्यूसर है वो आपकी लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपने उनसे उधार लिया हुआ है, ठीक है, वो आपने उनसे ओ किया हुआ है, ठीक है, वो आपको देना है लाजमी, ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज में आएगा, ठीक है। तो अब कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज, इन तीनों चीज़ों का हमें पता लग गया, ठीक है। तो हम लास्ट पे अकाउंटिंग इक्वेशन भी देख लेते हैं, ऊपर लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इस इक्वेशन का बेसिक मतलब यह है कि जो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो किन दो चीज़ों का मिक्सचर होते हैं, कैपिटल का जो चीज़ आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हो, और लाइबिलिटीज का जो पैसे आपने दूसरों के देने हों, ठीक है, क्रेडिटर्स के जो पैसे देने हों, ये लाइबिलिटीज और कैपिटल, इन दोनों का जब आप ऐड करते हैं तो वो इक्वल किसके आ जाता है, आपके एसेट्स के, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये सिर्फ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन था, और हम अपना फर्स्ट वॉक थ्रू, फर्स्ट जो आप कह लें कि क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।